الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने सिफ़ातुस्सला इमाम उसैमीन अलैहिर्रहमा की किताब का आगाज़ किया है। उस सिलसिले में आज दूसरा दरस है और दूसरे दरस में, दूसरे लेसन में हमने इंशाअल्लाह किताब की जो थर्ड चैप्टर है किताब का अल-फ़स्लुस्सालिस, वो हमने इंशाअल्लाह आज के दरस में होगा, जिसमें इमाम साहब ने अहमियतुस्सलात शरअन यानी शरी तौर पर शरीयत में, दीन में नमाज की क्या अहमियत है, क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बारे में गुफ्तगू फरमाई है और उसमें उन्होंने 10 पॉइंट ज़िक्र किए हैं। इमाम साहब फरमाते हैं कि नमाज जो है इसका हमारे दीन के अंदर बहुत अजीम मुकाम है, बल्कि ये इस्लाम के जो अजीम अरकान हैं उनमें से एक रुकन है और शहादतैन के बाद जब बंदा शहादतैन यानी अल्लाह की वहदानियत का इकरार करता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करता है, उसके बाद जो चीज़ आती है वो नमाज है। और मैंने पिछले दरस में भी अर्ज़ किया था कि बुनियल इस्लाम वला खमसिन शहादत वला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह व इकामस्सलाह, यानी ये दूसरा पॉइंट जो है वो नमाज का है। शहादतैन के बाद शहादतैन जो हैं उसका ताल्लुक इंसान की ज़बान के साथ है और इंसान के दिल के साथ है, इंसान के दिल के साथ है, दिल की कैफियत के साथ है। और ये ज़बान का इकरार और दिल की जो तस्दीक है इसका अमली मुजाहरा जो है वो नमाज है, इसका अमली मुजाहरा जो है वो नमाज है। इसलिए ये इस्लाम का इंतहाई अहम तरीन रुकन है और इसलिए इस्लाम ने इसे दूसरे मर्तबे में रखा है शहादतैन के बाद। एक पॉइंट तो ये हो गया और दूसरा पॉइंट जो है वो ये है कि नमाज जो है अमूदुद्दीन, ये हमारे दीन का पिलर है, पिलर स्तून को कहते हैं, जिस तरह ये छत हमारी ये दो स्तूनों के ऊपर, दो पिलर्स के ऊपर कायम है, इस तरह हमारा दीन जो है वो नमाज के ऊपर कायम है। अमूद अद्दीन, नमाज जो है वो दीन का पिलर है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बड़ी मशहूर हदीस है हज़रत मुआज़ इब्ने जबल रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की। हज़रत मुआज़ इब्ने जबल बड़े शौक़ वाले सहाबी थे, बड़ा उनको शौक़ था और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी उनके साथ बड़ा प्यार करते थे। कई मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुआज़ मुझे तो बहुत अजीज़ है, मैं तेरे साथ बहुत प्यार करता हूँ। तो हज़रत मुआज़ इब्ने जबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, काला कुल्तु या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखबिरनी बिअमलिन युदखिलुनी अलजन्ना व युबाइदनी अन्नार। मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक दफ़ा कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे कोई ऐसा अमल बताएं कि जो मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे, यानी जो मेरे लिए जन्नत के दाखिले का जरिया बन जाए और जहन्नम से आज़ादी का परवाना बन जाए। या रसूल अल्लाह मुझे कोई ऐसा अमल बताएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ लकद सअलता अन शैइन अज़ीम, तूने एक बड़ी अजीम चीज़ के मुतल्लिक सवाल किया है, बड़ा अजीम सवाल तूने किया है, लेकिन व इन्नहु लयसीरुन अला मा यस्सरहुल्लाह, है बहुत अजीम लेकिन बड़ा आसान है उसके लिए जिसके लिए अल्लाह पाक तौफीकात के दरवाजे खोल दे, जिसके लिए अल्लाह ताला आसान कर दे, यस्सरहुल्लाह, जिसके लिए अल्लाह आसान कर दे,
उसके लिए इसके ऊपर अमल करना बड़ा ही आसान है। وَإِنَّهُ لَيَسِيرٌ عَلَى مَا يَسَّرَهُ اللَّهُ और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही जो मैंने हदीस पहले पढ़ी है बुनी अल इस्लाम वाली, तकरीबन यही हदीस जो है वो दूसरे अल्फाज में इसकी तशरीह फरमाई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया कि तअबुदुल्लाहा ला तुशरिकु बिही शैया, कि ऐ मुआज तुम अल्लाह की इबादत करो इस तरीके से कि अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना बनाओ। और यहाँ पे ये बात याद रखने वाली है कि बहुत से लोग अल्लाह की इबादत करते हैं लेकिन अल्लाह की इबादत में दूसरों को भी शरीक बनाते हैं। हमसे जो अल्लाह ताला इकरार करवाना चाहते हैं, जो अल्लाह हमसे मुतालबा करना चाहते हैं ना, जो सूरह फातिहा में नमाज की हर रकत में आप अल्लाह के साथ वादा करते हैं उसमें क्या कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इसका मतलब है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह, ओनली फॉर यू, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तेरी हम इबादत करते हैं, अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तुझसे हम मदद मांगते हैं। यानी ये नहीं है कि तेरी भी इबादत करते हैं और तेरे साथ किसी और की भी इबादत करते हैं, ये दो चीजें, अल्लाह की इबादत के साथ किसी और की इबादत। और अल्लाह की इबादत क्या है, अल्लाह की इबादत ये है कि जो अल्लाह के औसाफ हैं, जो अल्लाह के इख्तियारात हैं, जो अल्लाह के कमालात हैं, जो चीज़ें अल्लाह ने अपनी ज़ात के साथ खास की हैं, वो सिफात अल्लाह की ज़ात के अलावा किसी दूसरे के अंदर जो है उनको दाखिल कर दिया जाए। वो मखलूकात में कोई भी हो सकता है, कोई नबी भी हो सकता है। कुल्ला यालमु, कुल्ला यालम, अल्लाह ताला फरमाते हैं ला यालमुल गैबा इल्लल्लाह, कुल्ला यालमुल गैबा इल्लल्लाह। अल्लाह पाक फरमाते हैं मेरे नबी आप ऐलान कर दो कि गैब अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। वह इंदहु मफातिहुल गैब ला यालमुहा इल्लाहु, गैब की सारी चाबियां किसके पास हैं, इंदहु अल्लाह के पास, और अल्लाह के अलावा उसको कोई नहीं जानता। अगर मैं किसी दूसरे के बारे में भी ये ईमान और अकीदा रखूं कि वो भी गैब जानता है तो इसका मतलब यह है कि मैंने उसको अल्लाह के मुकाबले में ला के खड़ा कर दिया। वो अल्लाह का नबी भी हो सकता है, कोई वली भी हो सकता है, जिंदा भी हो सकता है, कोई फौतशुदा भी हो सकता है। तो एक इबादत जो है उसका तकाजा यह है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज तुम इबादत ऐसे करो कि ताअबुदुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, ला तुशरिकु बिही शैया, किसी को अल्लाह का पार्टनर और शरीक ना बनाओ, इस तरह की इबादत करो। और यही हम अल्लाह से वादा करते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया व तुकीमुस सलाता, दूसरा पॉइंट जो है वो क्या है कि तुम नमाज कायम करो, तुम नमाजी बन जाओ, नमाज की पाबंदी करने वाले बन जाओ, नमाज के साथ ताल्लुक पैदा कर लो, नमाज तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा बन जाए, नमाज तुम्हारी जिंदगी का मकसद बन जाए, नमाज जो है ये तुम्हारा ओढ़ना बिछोना बन जाए, नमाज की फिक्र तुम्हारे अंदर पैदा हो जाए। ये सारे माने जो है तुकीमुस सला के, कि इंसान इस तरह का नमाजी बन जाए कि जब तक वो नमाज नहीं पढ़ता उसको सुकून ही नहीं आता, यूं महसूस करे कि उसके जिस्म से कोई एक ऐसी चीज अलग हो गई है या उसकी जिंदगी से एक ऐसी चीज जो है उससे दूर हो चुकी है जिसको उसने हासिल करना है। अल्लाहु अकबर। और फिर उसके बाद फरमाया वह तूत ज़कता, कि तीसरा पॉइंट जो है वो तुम ज़कात अता करो, अदा करो, वह तसूम रमज़ाना, और रमज़ान के रोज़े रखो, व तहज्जुल बैत, और बैतुल्लाह का हज करो। ये दूसरे जो इस्लाम के अरकान हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अर्शाद फरमाया। और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज तूने जो सवाल किया है उससे पता चलता है कि तेरे दिल में बड़ा शौक है, तू कुछ चाहता है, तू ये चाहता है कि अल्लाह तुझे जन्नत में दाखिल कर दे, तू ये चाहता है कि अल्लाह तुझे जहन्नम से आज़ाद कर दे, तेरी तलब, तेरी तड़प, तेरा मकसद बड़ा अजीम है। और मेरे भाइयों आप यकीन करें कि अगर एक बंदे को फमन जुहजिहा अनिन नारी व उदखिलल जन्नत फकद फाज, जिसे जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो बंदा कामयाब हो गया, वो सक्सेसफुल हो गया, उसकी जिंदगी का मकसद हासिल हो गया, ठीक है ना। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुआज तेरा जो सवाल है उससे पता चलता है कि तेरा मकसद बड़ा अजीम है, तू जन्नत का हसूल चाहता है, जहन्नम से आज़ादी चाहता है। अला अदुल्लुका, अला अदुल्लुका अला अबवाबिल खैर, कि मैं तुम्हें खैर के जितने दरवाजे हैं
अबवाब बाब की जमा है, बाब कहते हैं अरबी जबान में डोर को, दरवाजे को। अबवाबुल खैर, और खैर नेकी को कहते हैं, अच्छे अमल को कहते हैं, यानी नेकी का अमल, खैर का अमल, जितने दरवाजे हैं खैर का अमल करने के लिए। अला अदुल्लु का, क्या मैं तेरी उस पर रहनुमाई ना करूं, क्या मैं तुम्हें ना बताऊं कि खैर के दरवाजे कौन से हैं। कुल तू बला या रसूल अल्लाह, कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल, जरूर आप बताएं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौम जुन्ना, फरमाया ये जो रोजा है ना, वो नफली रोजा हो या फर्ज रोजा हो, जुन्नतुन, वो एक शील्ड है, वो इंसान की गुनाहों से हिफाजत करने की एक शील्ड है, उसका एक टूल है जो इंसान को गुनाहों से बचाता है। अल्लाहु अकबर, वो एक इंसान के पास एक ऐसा वेपन है, एक ऐसा हथियार है कि जिसके साथ इंसान अपने आप गुनाहों से महफूज रख सकता है। अस्सौमु जुन्ना, और फरमाया वस्सदकतु तुतफिउल खतिया कमा युतफिउल माउन नार। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दूसरी चीज जो है वो है सदका, सदका, और फरमाया ये जो सदका है ये गुनाहों को ऐसे खत्म कर देता है, भस्म कर देता है, जिस तरह जलती हुई आग के ऊपर पानी डाला जाए तो पानी जो है वो आग को बुझा देता है, पानी आग को बुझा देता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया वसलातु रजुल फिल लैल, और इसी तरीके से जब आदमी रात को खड़े होके, जब सारी दुनिया सोई होती है, वो रात को खड़ा होके अल्लाह के हजूर नफल की शक्ल में तहज्जुद की नमाज पढ़ता है, वसलातु लैल, और रात की नमाज पढ़ता है फी जौफिल लैल, और फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरह सजदा की, आज सुबह आपने नमाज फजर के अंदर ये सूरत सुनी है, सूरह सजदा, ये आयत तलावत की, ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजिरी यदउन रब्बहुम खौफं व तमअं व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून फला तअलमु नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुनिन जज़ाअं बिमा कानू यअमलून। ये दो आयतें पढ़ी आपने, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों आयतों की तलावत की, फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजिरी, फरमाया उनके जिस्म जो हैं वो उनके बड़े आरामदेह गर्म बिस्तरों से अलग हो जाते हैं। आप भी माशाल्लाह कितना मौसम ठंडा है, बा सर्दी है, सख्त सर्दी है, लेकिन आप यहाँ बैठे हुए हैं किस लिए, इसलिए कि आप ये नमाज का नूर हासिल करना चाहते हैं, नमाज की रोशनी हासिल करना चाहते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी नमाजें वैसी बना दे जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज थी, ठीक है ना। और ये आपका यहाँ पर बैठना, हमारा बैठना जो है, ये अल्लाह पाक कब्र की तरीकियों में हमारे लिए रोशनी बना दे, और हशर के मैदान में ये हमारे लिए मशल राह बना दे कि ये रोशनी जो है हशर के मैदान में हमारे आगे आगे हो, और इसी रोशनी के अंदर हम अल्लाह की जन्नतों तक पहुँच जाएँ। और इंशाल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस मजलिस के अंदर, जिस मजलिस के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें होती हैं, उस मजलिस को अल्लाह के फरिश्ते जो है वो कवर कर लेते हैं, अल्लाह के फरिश्ते कवर कर लेते हैं रहमत के साथ, मर्सी के साथ, और अल्लाह के फरिश्ते उन लोगों का तज़किरा अल्लाह के सामने जाके करते हैं, और अल्लाह कहते हैं कि जाओ तुम इस बात के गवाह बन जाओ कि ये जो लोग मेरी मोहब्बत में मेरे दीन को सीखने के लिए जो है वो इकट्ठे हुए थे, जाओ तुम गवाह बन जाओ, मैंने सबको माफ़ कर दिया, सबकी मकफ़रत कर दी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मगाजिरी यदउन रब्बहुम, वो अपने रब से दुआएं करते हैं, यदउन रब्बहुम, वो अपने रब से दुआएं करते हैं, यखाफूना, यानी अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह से डर किस बात का, कहीं अल्लाह नाराज ना हो जाए, डर इस बात का कि कहीं अल्लाह हमसे नाराज ना हो जाए, और तमा इस बात का, यानी दिल के अंदर शौक ये कि अल्लाह की रहमत हमें नसीब हो जाए। और इसीलिए उलमा फरमाते हैं कि ईमान जो है वो दो चीज़ों का नाम है, अल ईमानु बैनल खौफ वर रिजा, ईमान जो होता है वो खौफ की कैफियत का भी नाम है और अल्लाह से उम्मीद का, अल्लाह से होप, अल्लाह से उम्मीद का भी नाम है, और इन दोनों कैफियतों के दरमियान जो है वो ईमान होता है। बंदा अल्लाह की नाराज़गी से डरे, अल्लाह के अजाब से डरे, और अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे, अल्लाह की रहमत की उम्मीद रखे। और फिर उसके बाद फरमाया फला तअलमु नफ्सु मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रति अयुनिन जज़ाअ बिमा कानू यअमलून, फरमाया जो ये लोग रात की नमाज का एहतमाम करते हैं, जो तहज्जुद का एहतमाम करते हैं,
फरमाया इनके लिए अल्लाह ताला ने क्या कुछ रखा हुआ है, फला तालमु नफ्सु मा उखफिया लहुम, अल्लाह ने इनके लिए क्या रखा हुआ है, फरमाया ये नहीं जानते, मा उखफिया लहुम, क्या अल्लाह ने छुपा के रखा हुआ है, मिन कुर्रति आयुनिन, आंखों की ठंडक से लेकर, जजाअम बिमा कानु यामलून, ये उस चीज का बदला है जो ये अमल कर रहे हैं दुनिया में। तो ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत पढ़ी और उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा काल उख़बिरुका बिरासिल अम्री व आमूदिही व ज़िरवती सनामिही, ए मुआज क्या मैं तुम्हें खबर न दूं किस बात की कि ये जितना मामला है दीन का, रास इसका हेड, इसका सर जो है वो क्या है, रासुल अमर, मेरा और आपका सर है ना, सर है ना हमारा, तो ये जो सर है ये सबसे आला होता है और जब सर को काट दिया जाए तो जिस्म मुर्दा हो जाता है, जिस्म बेकार हो जाता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस दीन का जो सर है, इस दीन का जो सबसे आला मुकाम है उसके बारे में मैं तुम्हें ना बताऊं, वह अमूद ही, और जो इसका पिलर है जिसके ऊपर दीन कायम है उसके बारे में मैं तुझे ना बताऊं, वजीर वाती सनामे ही, और जो इसकी कुहान है, और यहां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन को कैमल के साथ जो है वो तशबीह दी। कैमल जो है वो एक जानवर है, उसकी आप जानते ना वो कुहान होती है जिसके ऊपर बैठा जाता है, जिसके साथ सहारे के साथ बैठ, और वही कैमल जानवर की जो है वो खूबसूरती होती है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज से पूछा कुल तू बला या रसूल अल्लाह, तो हजरत मुआज कहने लगे हाँ अल्लाह के रसूल मुझे आप जरूर बताएं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रासुल अमरी अल इस्लाम, फरमाया जो सारा मामला है ना उसका जो हेड है, उसका जो आला मुकाम है वो है अल इस्लाम, इस्लाम, ठीक है, यानी दीन इस्लाम जो है वो सबसे ऊपर है। और हमने पहले हदीस पढ़ी बुनी अल इस्लाम अला खमसिन, तो जो मामले का दीन का जो सबसे ऊपर वाला मामला है वो इस्लाम है। व अमूदुहु अस्सला, और फरमाया उस जिसके ऊपर हमारा दीन हमारा इस्लाम कायम है वो क्या है, अस्सला, वो नमाज है। वज़िरवतु सनामिही अल जिहाद, और फरमाया जो इसकी कुहान है जिसमें इसकी खूबसूरती है जिसमें इसकी मजबूती है वो क्या है, अल जिहाद, अल्लाह के रस्ते में जिहाद करना। अल्लाहु अकबर। सुम्मा काला, फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज अला उख़बिरुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्लिही, के ए मुआज तूने बड़ा अजीम सवाल किया है, यानी हजरत मुआज इब्न जबल ने तो एक सवाल किया था या रसूलल्लाह अख़बिरनी अन आमलिन युदखिलुनी अलजन्ना व युबईदुनी अन्नार, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे एक ऐसा अमल बताएं जो मुझे जन्नत में ले जाए और जहन्नम से बचा ले। अब इतना सवाल था लेकिन उसकी डिटेल जो है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप देखें कैसे मुख्तलिफ तरीकों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझा रहे हैं, और हजरत मुआज इब्न जबल पे अल्लाह राजी हो जाए कि उन्होंने ये हदीस हम तक पहुंचाई है, अल्लाह के नबी की बात हम तक उन्होंने जो है वो कोट की हमें बताई। तो फरमाया आला उख़बिरुका बिमलाकी ज़ालिका कुल्ली, ए मुआज मैं ये सारी चीज का खुलासा इसकी करीम है जी, आप समझ लें कि जो इसका हासिल है, जो इसका इसकी करीम है, जो इसका हासिल है, ये सारे जो मैंने गुफ्तगू की है क्या तुम्हें वो ना बताऊं। कुल तू बला या रसूल अल्लाह, तो हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहने लगे हाँ या रसूल अल्लाह जरूर फरमाएं। फअख़ज़ बिलिसानिही, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जबान को पकड़ लिया जैसे मैंने पकड़ा है। फअख़ज़ बिलिसानिही, प्रैक्टिकली अपनी जबान को पकड़ लिया। फअख़ज़ बिलिसानिही सुम्मा काला कुफ़ अलैक, फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुआज़ मैंने अपनी जबान को पकड़ा है ना, ये जबान की बात मैं तुम्हें करने लगा हूं कि इस जबान को पकड़ लो, इस जबान को पकड़ लो। कुल तू या नबी अल्लाह, तो हजरत मुआज़ इब्न जबल कहते हैं मैंने ताज्जुब से क्योंकि अल्लाह के नबी ने जबान पकड़ी और मुझे भी कहा कि जबान को पकड़ लो, कंट्रोल कर लो, तो मैंने कहा या नबी अल्लाह व इन्ना लमुआखिज़ून बिमा नतकल्लमु बिही, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हम गुफ्तगू करते हैं क्या उस गुफ्तगू पे अल्लाह पाक हमें पकड़ेंगे, हमारा मुआवजा होगा, हमारा हिसाब किताब होगा, जो जबान से हम कलिमात निकालते हैं उसका हमें जवाब देना पड़ेगा अल्लाह के दरबार में। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया साकलत का उम्म का या मुआज, और ये अरबी जबान की एक बड़ी खूबसूरती है कि अरबी जबान में
प्यार के साथ अगर किसी को ये कहना हो तो कहा जाता है सकलत का उम्मक तेरी माँ तुझे गुम पाए, है जी। यानी माँ जब बच्चे को गुम पाती है तो माँ की मोहब्बत अरूज पे आ जाती है। माँ अपने बच्चे के लिए बड़ा शौक तलाश करती है, कहाँ मेरा बच्चा, कहाँ मेरा लाल, कहाँ गया मेरा बच्चा, मेरे मुझे नजर नहीं आ रहा। और जैसे ही उसको बच्चा नजर आता है तो उसकी आंखें ठंडी हो जाती हैं, दिल को करार मिल जाता है, दिल को सुकून मिल जाता है। तो अरब जो है वो ये मुहावरा इस्तेमाल करते हैं, किसी को प्यार के साथ कोई बात कहनी हो तो सकलत का उम्मुक तेरी माँ तुझे गुम पाए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत मुआज़ इब्ने जबल को ये बात अरशाद फरमाई और फिर फरमाया वह हल युकब्बन नासु फिन्नारी अला वुजूहिहिम, तुम जानते नहीं हो कि जहन्नम में सबसे ज्यादा जो अमल या जो चीज इंसान को जहन्नम में ले जाने वाली है वो क्या है, वो ये जबान है। अपनी जबानों की वजह से लोग जो है अब उनको उनके उनके चेहरों के बल जो है जहन्नम के अंदर जो है वो फेंका जाएगा। अल्लाहु अकबर। औकाल आला मनाखिरहिम इल्ला हसाइदा अलसिनतिहिम, फरमाया ये उनकी जबानों की करतूतें होंगी। अरबी जबान में हसाइद कहते हैं कि जैसे खेत जब पक के तैयार हो जाता है तो खेत को काटा जाता है, किसी दरख्त के ऊपर जब फ्रूट लगता है तो फ्रूट को उतारा जाता है तो उसको कहते हैं हसाइद। तो ये जो इंसान को जहन्नम में ले जाने का जो चीज़ जरिया बनती है वो सबसे ज़्यादा उसकी ज़बान है, वो ज़बान जिसको बंदा छोड़ देता है, जिसकी एहतियात नहीं करता है, इस्तेमाल के अंदर उसको जो है वो ना अल्लाह का खौफ होता है ना अल्लाह का डर होता है। और यकीन मानिए कि इस वक्त ये इस कदर बीमारी आम हो चुकी है मेरे समेत हर बंदे के अंदर, हमें अपनी ज़बानों के ऊपर कंट्रोल नहीं रहा, हम लोग जो हैं अपनी ज़बानों को कंट्रोल नहीं करते। इस कदर झूठ और इस कदर जो है वो क्या कहते हैं किज़ब जो है वो लोगों के अंदर फैलाया जाता है ज़बानों के ज़रिए, हमें कभी इस बात का ख्याल नहीं आया। तो बहरहाल ये जो हदीस है, इस हदीस में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि दीन का जो पिलर है, दीन का जो सुतून है वो क्या है, अस्सलाह, नमाज। और नंबर तीन नबी इमाम साहब फरमाते हैं, शेख हुसैमीन अलैहि रहमा फरमाते हैं कि अन्नहा खासतुन मिन बैनी साइरी अरकानिल इस्लामी गैर शहादतैन इज़ा तरकहल इंसान फहुवा काफिरुन कुफ्रन मुखरिजन अनिल मिल्ला। यानी वो कहते हैं कि इस्लाम के जितने अरकान हैं, हमने कितने अरकान बयान किए हैं, पांच, एक शहादत है, दूसरा नमाज और बाकी तीन अरकान ज़कात, रोज़ा और हज। तो ये जितने पांच अरकान हैं, इन पांच अरकानों में से दो रुकन ऐसे हैं, दो रुकन ऐसे हैं कि अगर बंदा उनका इनकार कर दे तो वो दीन से निकल जाता है, काफर हो जाता है और उसके कुफर के अंदर कोई शको शुबा बाकी नहीं रहता। वो कैसा काफर होता है, वो फिरौन की तरह काफर है, वो हामान की तरह काफर है, वो अबू जाल की तरह काफर है और वो उबैय इब्ने खलफ की तरह काफर है। ये दो रुकन ऐसे हैं, शहादतें और नमाज। जब बंदा इनका जो है वो इनकार करता है, जब इनको इंसान छोड़ता है तो वो मिल्लत से निकल जाता है, दीन इस्लाम से खारिज हो जाता है। उसमें और फिरौन में कोई फ़र्क नहीं, उसमें और हामान में कोई फ़र्क नहीं, उसमें और अबू जहल में कोई फ़र्क नहीं, उसमें और उमैया बिन खलफ में कोई फ़र्क नहीं। लेकिन बाकी जो तीन अरकान हैं उनका मैं भी आपको बताता हूँ, उनका जो मामला ऐसे नहीं है, उनका मामला ऐसे नहीं है। और ये बात आप यकीन मानिए, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको डराने के लिए नहीं कह रहा कि कुरान और हदीस की बेशुमार दलीलें ऐसी हैं, कुरान और हदीस की बेशुमार दलीलें ऐसी हैं कि नबी अकरम यानी कुरान मजीद में नमाज का जिक्र जो है वो तकरीबन 85 टाइम जो है अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, 85 टाइम। और लफ्ज़ सलात जो है कुरान में 100 से ज़्यादा मरतबा इस्तेमाल किया गया है। मैं आपको ये जो बात जो है इसलिए नहीं कह रहा कि मैं आपको डरा रहा हूँ, मैं आपको सही शरी मसला बता रहा हूँ। जो बंदा यानी शहादतैन का इनकार करता है या नमाज का वो इनकार करता है, ये उसको छोड़ता है, ये नहीं कि वो ये कहता है कि जी इकरार तो करता है जी नमाज फ़र्ज है लेकिन सुस्ती करता है, नमाज पढ़ने में सुस्ती करता है, तो शरीयत की नज़र में बिल्कुल वो काफर है।
فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ। अल्लाह ने तबाही और बर्बादी उन नमाजियों के लिए बयान की है कि जो नमाज को वक्त पे नहीं पढ़ते, नमाज के अंदर जो है वो सुस्ती करते हैं, गफलत का मुजहरा करते हैं, उनके लिए। और जो बिल्कुल नमाज को छोड़ दे, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारे मुसलमानों के दरमियान, अहले ईमान के दरमियान और काफिरों के दरमियान कौन सी चीज फैसला करती है? अस्सलाम, नमाज। नमाज बताती है कि ये काफिर है, ये अल्लाह का मुनकर है, ये अल्लाह का बागी है। और नमाज बताती है कि ये अल्लाह का मानने वाला है, अल्लाह का ताबेदार है, अल्लाह के हुक्मों पर चलने वाला है। ये बात समझनी चाहिए। बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं जी बस सुस्ती हो जाती है जी, पढ़ लेंगे नमाज, आप दुआ करें जी। नहीं मेरे भाई, नमाज जो है तुम कलमा भी पढ़ते हो, तुम इस बात का इकरार भी करते हो कि तुम मुसलमान हो, तुम अपने आप को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती भी कहते हो, और तेरी जिंदगी के अंदर अगर नमाज नहीं है तो तेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कोई नाता नहीं है, तुम मुसलमान नहीं है। काफिरुन, काफर है बंदा वो जो नमाज को तर्क करता है या नमाज के अंदर जो है वो सुस्ती करता है। और बेशुमार हदीसों में ये चीज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है, सहाबा इकराम से ये चीज जो आती है। इसके मुकाबले में बाकी जो तीन अरकान हैं, तीन अरकान अगर कोई बंदा उनका इनकार कर दे, कहते जी मैं नहीं मानता जकात को, मैं नहीं मानता रोजे को, मैं नहीं मानता हज को, इनकार कर दे तो वो काफर है। लेकिन एक बंदे से अगर छूट जाता है, रोजा मिस हो जाता है, तो उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है कि वो बंदा काफर नहीं है। फासिक हो सकता है, फासिक हो सकता है, गुनाहगार हो सकता है, लेकिन काफर नहीं। एक बंदा जकात नहीं देता, इनकार नहीं करता, लेकिन सुस्ती करता है, गफलत करता है, तो वो बंदा काफर नहीं है। एक बंदा हज फर्ज होने के बावजूद हज नहीं करता, तो वो बंदा काफर नहीं है। समझाई ना बात की। लेकिन नमाज का एक बंदा जो है वो उसको तर्क करता है, या उसके अंदर जो है वो कहता है कि नमाज फर्ज है लेकिन मुझसे सुस्ती हो जाती है, मुझसे गफलत हो जाती है, तो मैं इस मौके पे अपने आप को भी और आपको भी और जो सुनने वाले हैं हमारे सोशल मीडिया पे, मैं उन सबको ये सोचने का एक लम्हे के लिए जो है मैं दावत देता हूँ, सोचें कि हम अपने घरों में कितने काफर लेके बैठे हुए हैं, हमारे बच्चों में, हमारे अहले खाना में, हमारी फैमिली में कितने हैं जो नमाज नहीं पढ़ते। कभी हमें एहसास हुआ है, कभी हमें ख्याल आया है कि ये लोग जो हैं ये तो इन जहन्नम का ईंधन है। आप यकीन मानिए कि मेरे सामने अगर मेरे बच्चे को ज़रा सी तकलीफ हो तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, ठीक है ना। माँ और बाप अपनी जान जो है, एक बच्चा मुझे उसका पता है, वो बेचारा बीमार है, माँ कहती है कि मैंने इसको अपनी किडनी देनी है, बाप कहता है कि मैंने इसको अपनी किडनी देनी है, इतना प्यार करते हैं, अपनी जान तक बच्चे के ऊपर निछावर करने के लिए तैयार है। लेकिन एक बच्चा नमाज नहीं पढ़ता और आपकी आंखों के सामने नमाज नहीं पढ़ता, तो आपको पता है कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बातें सच्ची हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो काफर है और काफर का अंजाम जो है वो जहन्नम है, हम कैसे बर्दाश्त कर लेते हैं? उस जहन्नम की आग से हमने उस बच्चे को नहीं बचाना, उस जहन्नम की आग से हमने उस पनिशमेंट से हमने बच्चे को महफूज नहीं रखना है ना। तो ये बात जेहन में बिठा लें। चलें अब आगे जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि नमाज की हम वैल्यू, नमाज की अहमियत, नमाज की इम्पोर्टेंस जो है उसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा कर लें कि जब अल्लाह ताला ने नमाज को फ़र्ज़ किया तो सातों आसमानों पे अल्लाह के नबी को अपने पास बुला के नमाज को फ़र्ज़ किया, ऐसे ही है ना। सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिद, बाकी जितने दीन के अहकाम हैं अल्लाह ताला ने वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही के ज़रिए नाजिल किए, वही के जरिए हुक्म दिया गया, लेकिन नमाज के लिए स्पेशली अल्लाह ने अपने पास बुलाया है जी। वत्तूर व किताबिल मस्तूर फी रक़्क़िल मंशूरुल बैतिल मामूर व सक़्फिल मरफू वल बहरिल मस्जूर, यानी बैतुल मामूर पे, सातों आसमानों पे अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और वहां पर नमाज को फर्ज किया। और आगे जो पॉइंट है वो ये है कि अल्लाह ताला ने नमाज को कब फर्ज किया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी और ख़ास तौर पे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो नबूवत की 23 साल जिंदगी है, 23 साल यानी 23 6 मंथ, ये 23 साल जो जिंदगी है, 23.5 साल, उस जिंदगी में सबसे कीमती और सबसे आला और सबसे अफजल तरीन रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में अगर कोई पूछता है
तो वो है जब अल्लाह ताला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया, ऐसे ही है ना जी, ऐसे ही है ना। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज पे बुलाया गया, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेराज पे बुलाया, वो आपकी जिंदगी में सबसे बेहतरीन रात है, तो उस रात इस उम्मत के लिए अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया। उस रात नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया। अल्लाह अकबर, अल्लाह फकान अकाब कौसैन औ अदना फऔहा इला अब्दिही मा औहा, यानी ये बात याद रखें, ये कभी आएगा तो इंशाल्लाह तफसील के साथ बयान करेंगे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी आंखों के साथ अल्लाह को देखा नहीं है। हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाया करती थी कि अल्लाह ताला को देखना जो है वो इस जिंदगी के अंदर मुमकिन नहीं है। ठीक है, अल्लाह कुरान फरमाते हैं ला तुदरिकुहुल अबसारु वहुवा युदरिकुल अबसारा वहुवा लतीफुल खबीर, कि अल्लाह ताला को कोई आंख जो है वो देख नहीं सकती, वहुवा युदरिकुल अबसारा, लेकिन अल्लाह सब आंखों को देख रहा है। ठीक है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आप मेराज पे गए थे आपने अल्लाह को देखा था, रईत अल्लाह, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया नूर उन अन्ना उरा, अल्लाह तो नूर है, अल्लाह को कैसे देखा जा सकता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहलिया हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन आयशा रजी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, अगर ये कोई कहे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी इन आँखों से अल्लाह को देखा है तो वो झूठा है, वो कज़्ज़ाब है, अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही नाजिल हुई हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए, अल्लाह ताला ने जो है वो वही नाजिल की, लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया बैतुल मामूर के ऊपर, सातवें आसमान के ऊपर, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन आँखों के साथ, और ये ही अहलु सुन्ना वल जमा का अकीदा है, यही अहलु सुन्ना वल जमा। लोग जो हैं इस सिलसिले में बड़ा मुबालगे से काम लेते हैं, बड़ी चीज़ें बयान करते हैं और बड़े अजीब किस्म की चीज़ें, लेकिन जो सही अहादीस हैं, जो पुरानी आयात है, उनसे यही साबित होता है कि अल्लाह से मुलाकात होगी लेकिन क़यामत के दिन। वुजूहुन यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, उस दिन कुछ चेहरे जो है वो बड़े तरोताज़ा होंगे, फ्रेश होंगे, क्यों, इला रब्बिहा नाज़िरा, वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे, अल्लाह से मुलाकात होगी। और फरमाया कि जो जन्नत वाले हैं उनकी जो है वो कैटेगरी होगी, ठीक है, उनके लेवल्स होंगे, उनकी कैटेगरी होगी, कुछ जन्नती ऐसे हैं जिनको डेली अल्लाह से जो है अल्लाह अपना दीदार करवाएगा, अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह उनको डेली अपना दीदार कराएगा, कुछ ऐसे हैं जिनको हफ्ते में एक मरतबा, कुछ ऐसे हैं जिनको महीने में एक मरतबा, कुछ ऐसे हैं जिनको साल में एक मरतबा, तो ये अल्लाह को इलम है, हैं जी, ये दुनिया के जो अयाम हैं, ये दुनिया की जो काउंटिंग हम करते हैं साल की महीने की, अल्लाह के यहाँ जाके इसका क्या सूरत बनती है। बहरहाल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुछ कुछ नसीब ऐसे होंगे कि जिनको अल्लाह ताला डेली अपना दीदार करवाएगा, तो वहाँ जाके अल्लाह से जो है अल्लाह के दीदार भी होंगे, अल्लाह से को देखेंगे भी, लेकिन इस इंसानी आँख के साथ अल्लाह का देखना जो है वो नामुमकिन है, ये कुरान का फैसला है, ला तुदरिकुहुल अबसारु वहुवा युदरिकुल अबसारा वहुवा लतीफुल खबीर। अच्छा, उसके बाद जो छठा पॉइंट है वो ये है कि अन्नल्लाह फरदा अलैहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिदून वासिततिन बैनहुमा, अल्लाह ताला ने जब नमाज को फ़र्ज किया तो उस वक़्त अल्लाह ने बग़ैर वास्ते के फ़र्ज किया, यानी पहले अल्लाह अपने फरिश्ते के ज़रिए, जिब्रील अमीन के ज़रिए, वही के ज़रिए कोई हुक्म नाजिल फरमाते थे, लेकिन जब नमाज को अल्लाह ने फ़र्ज किया तो जिब्रील अलैहिस्सलाम का वास्ता निकाल के डायरेक्ट अल्लाह ताला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये नमाज अता की। और पिछले दर्स में हमने ये पढ़ा था कि नमाजें शुरू में जब फ़र्ज की गई थी कितनी थी, 50, लेकिन अल्लाह ने तख़फ़ीफ़ करके कितनी कर दी, 5। अब प्रैक्टिकली हम कितनी नमाजें पढ़ते हैं, 5, लेकिन हमारे मिज़ान के अंदर, हमारे नामा अमल के अंदर कितनी लिखी जाती हैं, 50, हमारे नामा अमल में 50 लिखी जाती हैं। और ये भी बात याद रखने वाली है कि एक जो दीन का असूल है, दीन का असूल यह है एक नेकी 10 के बराबर, मन जा बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी 10 के बराबर। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा कि ये अगर आपने नमाज पढ़ी है तो आपकी नमाज जो है वो उस वजह से 10 के बराबर है, नहीं,
वो एक अलग जाविया है, वो एक अलग पैमाना है अल्लाह ताला की तरफ से नवाजने का, उसमें इसके बाद इंसान आता है। यानी नमाजें हम 5 पढ़ते हैं, नामा अमाल के अंदर जो है वो 50 लिखी जाती हैं, और बाकी एक नमाज का सवाब जो है वो 10 के बराबर, ये एक अलग पैमाना है। और फिर उसके बाद अगर जमात के साथ पढ़ी जाए तो एक नमाज 27 नमाजों के बराबर, ठीक है ना। और अगर नमाज के सारे तकाजे पूरे करके दिल की हजूरी के साथ पढ़ी जाए तो नमाज कहाँ तक पहुँच जाती है, काउंटिंग ख़त्म हो जाती है, इंसान गिन ही नहीं सकता अजर को। और इसी तरीके से नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तहारत को वाजिब करार दिया है, फ़र्ज करार दिया है। नमाज जो है जब तक बंदा ताहिर मुतहर ना हो नमाज नहीं होती। और तहारत जो है वो हदसे असगर से भी हदसे अकबर, हदसे असगर और हदसे अकबर का मतलब क्या है, हदसे असगर कहते हैं जब इंसान का वुजू फासद हो जाए, वुजू टूट जाए, और हदसे अकबर से मुराद क्या है, हदसे अकबर से मुराद जब इंसान पे गुसल वाजिब हो जाए, ठीक है। तो जब हम नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ते हुए एक तो हदसे असगर जो है उससे भी हमें पाक होना चाहिए, हदसे अकबर से भी हमें पाक होना चाहिए। और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हमारा जाहिर भी पाक हो, हमारा बातन भी पाक हो। जाहिर का मतलब कपड़े भी पाक हैं, जिस जगह पे नमाज पढ़े हैं वो जगह भी पाक है। और बातन का मतलब यह है कि हमारे दिल के अंदर एक ऐसा दिल की कैफियत हो, जिस तरह मैंने आपको कहा था कि इंसान ऐसे नमाज पढ़े कि गोया अपनी आंखों से अल्लाह को देख रहा है। अंताबुदल्लाह का अन्न का तरा, आप ऐसे इबादत करें अल्लाह की जैसे अपनी आंखों को देख रहे हैं, अपनी आंखों से अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ऐसे नहीं कर सकते तो कम अज कम इस तरह इबादत करें कि आपके दिल में तसव्वुर ये हो कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको देख रहा है, ये जो है ये, फिर आपका दिल भी हाजिर हो और आपको इस बात का एहसास भी हो कि आप अल्लाह के सामने खड़े हुए, आजदी की इंतहा हो, बंदगी की इंतहा हो अल्लाह के सामने। तो ये जो है ये एक नमाजी के लिए ये चीज़ें फ़र्ज हैं। और इसी तरीके से नंबर 9 जो पॉइंट शेख साहब ने बयान किया है वो ये है कि कसरत नुसूस الواردت بشأنها في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم امرا ونهيا وترغيبا وترهيبا وخيرا وطلبا وخبرا وطلبا, कि नमाज के मुतलक कुरान और हदीस में बहुत से नसूस आए। नसूस का मतलब नस, नस कहते हैं आयात कुरानिया और अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी बहुत सी अहादीस और बहुत सी आयात ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हुक्म दिया है, इसको छोड़ने से मना किया है, नमाज को इसकी तरफ शौक दिलाया है, और जो इसमें सुस्ती करता है उसको डराया गया है, और इसकी खबर दी गई है, और इसका मुतालबा किया गया है। यानी बहुत सी नसूस है, जैसे मैंने आपको कहा कि 85 के करीब जो है कुरान के अंदर मुकामात हैं जिस पे अल्लाह पाक नमाज की पाबंदी और नमाज पढ़ने का हुक्म देते हैं। अल्लज़ीन यूमिनून बिलगैब व युकीमून अस्सलाता, कुरान के जहां से इब्तदा होती है वहीं से काम शुरू हो जाता है, ठीक है ना जी। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनू बिस्सब्री वस्सला वस्तईनू बिस्सब्री वस्सला व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशीईन यानी कुरान में बेशुमार आयात हैं जिसमें अल्लाह ताला ने नमाज की पाबंदी का हुक्म दिया है, और नमाज के छोड़ने पे जो सजा और जो पनिशमेंट है उसका अल्लाह पाक ने जिक्र किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस हैं। और आज की इस ये फसल जो हम पढ़ रहे हैं इसका आखिरी जो पॉइंट है वो ये है कि इमाम साहब फरमाते हैं, शेख फरमाते हैं कि अन्नहु इज्तमा फी मुकद्दमती हाज़ी सलावाती अत्तहीर अल-बदनी व तत्तहीर अल-क़ल्बी। वो फरमाते हैं कि इस नमाज से पहले, इस नमाज से पहले जो हमें हुक्म दिया गया है कि हम दो किस्म की जो सफाई है, दो किस्म की जो क्लीनिंग है उसका हम एहतमाम करें, दो किस्म की पकीज़गी सफाई तहारत का हम ख्याल करें। एक तहारत जो है वो बदनी तहारत है, जिस्मानी तहारत है, जो इंसान के बदन से शुरू होती है, इंसान के कपड़े भी उसके अंदर शामिल हैं, ठीक है ना, उसका पूरा जिस्म, उसकी बॉडी, उसके कपड़े जो हैं ये पाक होने ज़रूरी हैं। वह तत्हीर अल-क़ल्बी, और दूसरी जो तत्हीर है वो उसके दिल की सफाई है। और इसलिए अल्लाह ताला जब हम नमाज शुरू करते हैं तो नमाज में जब सूरह फातिहा का आगाज़ करते हैं अल्लाह ताला वहाँ हमारे दिल की सफाई करवा देते हैं, जब हम ये कहते हैं इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, वहाँ हमारे दिल की सफाई हो जाती है, ठीक है।
और हम जब नमाज को हम शुरू करते तो हम कहते हैं अल्लाहु अकबर, सारी दुनिया से कटकर, सारी दुनिया से टूटकर हम अल्लाह के साथ रिश्ता जोड़ के अल्लाह के सामने खड़े हो जाते और हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह तू ही सबसे बड़ा है, तू ही सबसे ग्रेट है, अल्लाहु अकबर, और फिर उसके बाद हमारी नमाज जो है वो शुरू होती है। तो शेख साहब ये फरमाते हैं कि हत्ता यदखुल इंसान फी सलातिही व यक़िफु बैन यदै रब्बिही व हुवा ताहिरुल क़ल्ब, जब इंसान नमाज में दाखिल होता है और अपने रब के सामने जब वो खड़ा होता है, वह ताहिरुल क़ल्ब व ताहिरुल बदन, उसका दिल भी साफ हो और उसका बदन भी साफ, उसका दिल भी साफ हो उसका बदन भी साफ हो। तो ये जो खास तौर पे अल्लाह ताला ये जो हमसे ये कैफियत चाहते हैं, सफाई वाली, दिल की तहारत, जिस्म की तहारत, ये इस बात पे दलालत करती है कि नमाज की दीन इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है नमाज की। और आज हमने ये चैप्टर पढ़ा है, इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर होगा फसलुर राबे वो होगा कि नमाज की फजीलत और उसके फ़ायदे, ठीक है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें नमाजी बनाए और हमारी नमाजों को इस तरह की नमाजें बनाए कि जो अल्लाह के रसूल सल्लम की नमाज की तरह की नमाज हो, और अल्लाह ताला ये नमाजें जो है हमारी निजात का ज़रिया बनाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फीकुम, अल्लाह ताला आपका बैठना कबूल व मंजूर फरमाए, और जहाँ तक हमारी आवाज़ पहुँच रही है अल्लाह ताला जितने हमारे मुसलमान बहन भाई हमें सुनेंगे या सुन रहे हैं, अल्लाह पाक सबको नमाजों का पाबंद बना दे। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि मेरी आँखों की ठंडक किस में रखी गई है, नमाज में, जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सला। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कहा करते थे, जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी तबीयत ऐसी होती, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते कि अब मुझे थोड़ी सी जो है वो क्या कहते हैं, मुझे दिल को फ्रेश करना है, जिस्म को, बॉडी को फ्रेश करना है, अपने आप को फ्रेश करना है। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाते, कुम या बिलाल आकिमिस्सला अरहना बिस्सला, बिलाल खड़े हो जाओ और नमाज को कायम करो और नमाज के साथ हमें राहत पहुँचाओ, अरहना बिस्सला। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो नमाज है ना, इसमें मेरी आंखों की ठंडक। एक दफ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तहज्जुद की नमाज़ पढ़ रहे थे, आपकी एक ज़ौजा हमारी माँ उम्मुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो भी आपके साथ खड़ी हो गई नमाज पढ़ने के लिए, रात की तहज्जुद की नमाज। तो फलम्मा अहस्सा, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब महसूस किया कि ये मेरे साथ नमाज पढ़ रहा है, आपने जब महसूस किया, फ़काल लहा इस्तजई, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहलिया से कहा कि आप आराम करें, लेट जाएं, आप लेट जाएं, इनशी थी अगर आप चाहती हैं। कालत, वो कहने लगी, इन्नी आखिरु निशातन, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं बड़ी यानी फ्रेश हूँ, मैं नमाज पढ़ सकती हूँ, मैं फ्रेश हूँ, आप मुझे नमाज पढ़ने दें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना की लस्ती मिसली, मेरी ज़ौजा मेरी बीवी तू मेरे जैसे नहीं है, इन्नमा जुइलत कुर्रतु आइनी फिस्सला, इसलिए कि अल्लाह ताला ने मेरी आंखों की ठंडक नमाज में रखी है, मैं तो सारी रात अल्लाह के सामने खड़े होके नमाज पढ़ता हूँ। और हजरत आयशा फरमाती हैं कि इतनी देर तक क़याम करते पाँव जो है वो सूज जाते, पाँव जो है वो सूज जाते, तो तुम कैसे इस्ताद रखती हो इस बात की। तो लिहाजा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ठंडक थी आँखों की वो नमाज के अंदर थी। तो ये नमाज की अहमियत है, ये नमाज की वैल्यू है, अल्लाह करे कि इसी तरह नमाज हमारी ज़िंदगी में दाखिल हो जाए कि हम नमाज को इसी तरह वैल्यू दें। जज़ाकुमुल्लाह।